नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अब जब भी आप बीमार पड़ेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर की फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री में डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दरअसल सरकार का एक पोर्टल है ई संजीवनी, जिसकी मदद से आप घर बैठे अपना या अपने किसी भी परिवारजन का फ्री में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, गूगल में आपको सर्च करना है ई संजीवनी, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसको आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पेशेंट और डॉक्टर का। तो आपको पेशेंट वाले पे क्लिक करना है। पेशेंट वाले पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम रजिस्टर वाले पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो ओटीपी आएगी आपके मोबाइल पे, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ पे जो भी डिटेल आपसे मांग रहे हैं वो डिटेल यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम भरना, उसके बाद में मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है अपनी। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपका मोबाइल नंबर पहले जो डाला था वो आ गया है। इसके बाद में यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ऑल करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एड्रेस, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, अपना नाम, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ब्लॉक और पिन कोड। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस पे क्लिक करिए, नहीं तो नो पे रहने दीजिए। इसके बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपका रजिस्टर है वो सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगी और ओटीपी डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। ये हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको डॉक्टर का ऑप्शन दिख रहा है, कंसल्ट नाउ पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि अगर आपने पहले भी कंसल्ट करा रखा है, फॉलो अप कंसल्टेशन है, तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस चीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसको आपको क्लिक कर देना है। फीवर है आपको, कफ है, या जो भी है। इसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपने स्टेट में चेक करवाना चाहते हैं या पड़ोसी राज्य में जहाँ पे आप रह रहे हैं, या ऑल ओवर इंडिया, आप जहाँ भी रह रहे हो तो ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप अपने स्टेट में ही चेक करवाना चाहते हो तो विथ इन स्टेट रहने दीजिए। अगर आप दूसरे स्टेट में चेक कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। अगर आप इंडिया के किसी भी डॉक्टर से चेक करवाना चाहते हैं तो आप एनीवेयर इन इंडिया पे क्लिक करिए। इसके बाद में यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट के डॉक्टर से आपको चेकअप कराना है। तो मैं दिल्ली डाल दिया। इसके बाद में यहाँ पे दिल्ली डाल दिया। इसके बाद में ओपीडी पे क्लिक करना है। तो आपको दिल्ली स्टेट ई संजीवनी ओपीडी या जिस भी हॉस्पिटल के डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है वो हॉस्पिटल की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको डॉक्टर वाले पे क्लिक करना है। तो इसमें दिखा रहा है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करके फिर यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। जो ओपीडी का टाइम होता है उस पर अवेलेबल मिलता है, तब आप चेकअप करा सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।